हेलो बच्चों पार्टी। तो आज अपन बात करते हैं नाइसर एडमिशन के बारे में। तो यार जिन बच्चों को पता नहीं है ये NISER क्या होता है, तो उनको मैं बता दूं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, जो कि भुवनेश्वर के अंदर सिचुएटेड है। और उसके अंदर ऑलमोस्ट एडमिशन अभी क्लोजिंग पे चल रहे हैं, ठीक है। और अभी जैसे राउंडिंग चल रही है उसकी, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लास 18 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है इसकी, इसकी गाइडलाइन है, ठीक है। आज 10 अक्टूबर हो चुका है यार, 8 अक्टूबर, तो 8 दिन बचे हैं अभी, ठीक है। तो यार इनका जो एडमिशन है वो मेरिट लिस्ट है, जारी हो रही है। और जस्ट अभी जो है 18 तारीख से क्लासे ऑफलाइन स्टार्ट है, और ये इसका कहना है कि कुछ राउंड अभी चलेंगे 18 तारीख तक, ठीक है। 4 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक आई सर के। और इसने जस्ट मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है, आई थिंक इसकी थर्ड मेरिट लिस्ट आई थी 8 को, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपका इसके अंदर नाम आया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या सीन है। वाह नाइस, ये भैया ने तो कमाल कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट रैंक विद जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो एटलीस्ट यार 1300 से 1400 कैंडिडेट्स हैं जिनका थर्ड मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आया है, ठीक है। जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एटलीस्ट 1350 बच्चों का नाम आया है मेरिट लिस्ट थर्ड के अंदर, ठीक है। अभी इसकी और भी जारी होगी, एटलीस्ट 6-7 तक जाती है, ठीक है। पिछली बार भी 6 तक गई थी मेरिट लिस्ट 6, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, इनके पास लिमिटेड सीट है, हो सकता है तुम्हारा भी हो सकता है, ठीक है। IIT से बेटर रैंक है SSH का, ठीक है। नाइस नाइसर जिसको हम बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर, ठीक है। और ये जो है इंटीग्रेटेड MSc कोर्स कंप्लीट करवाता है। तो बेसिकली आप इसके बारे में जो है गूगल यूट्यूब वगैरह पे भी सर्च करते हो, ठीक है। और उतना ज़्यादा मतलब कंटेंट तो नहीं मिल पाएगा इसके बारे में, ठीक है। और जैसे अगर तुम्हारा रिसर्च के अंदर इंटरेस्ट है तो तुम्हारे लिए IIT से बेटर हो सकता है ये, ठीक है। 5 साल का कोर्स होता है। नाइसर ऑफर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम इन बेसिक साइंस आफ्टर 10+2 ईयर स्कूलिंग, ठीक है। द नोमेनक्लेचर ऑफ द प्रोग्राम इज MSc, ठीक है। और यार इसका जैसे देख सकते हो ये कोर्स कंप्लीट करवाता है ये स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, स्कूल ऑफ केमिकल साइंस, स्कूल ऑफ यार मैथमेटिक्स साइंस, बहुत अच्छी बात है, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस, ठीक है। एंड प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर अलोकेशन स्कूल्स आफ्टर सक्सेसफुली कम्प्लीट ऑल कोर्स ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर आस्क टू गिव 3 प्रेफरेंस फॉर स्कूलिंग। स्कूल्स आर अलॉटेड बेस्ड ऑन 2 क्राइटेरिया, प्रेफरेंस ऑफ द स्टूडेंट और CGPA ऑफ द 2 सेमेस्टर्स, ठीक है। इफ द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट प्रेफरिंग टू जॉइन ए स्कूल एग्जिस्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन दैट स्कूल, देन अलोकेशन इज डन बेस्ड ऑन CGPA। इन केस ऑफ ए टाई द स्टूडेंट वो परफॉर्मेंस इज बेटर देन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट द 2 सेमेस्टर इज गिवन द सीट। ओके बच्चा पार्टी। तो यार तुमने अगर पहले से अप्लाई कर रखा है तो बहुत अच्छा मौका है, और अगर तुम अप्लाई कर नहीं किया है और या अभी 12th 11th में हो तो जस्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वेबसाइट दे रखा है www.collegeadmission.online, इस पर विजिट कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर हर रोज हमेशा, ठीक है, रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कुछ ना कुछ नया अपडेट आता रहता है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है यार। जिसको एरोस्पेस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट हो, ठीक है, एयरक्राफ्ट मिसाइल्स, तो यार हमारा एक कॉलेज है पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज पटियाला पंजाब, एंड दिस इज सिचुएटेड इन मिलिट्री बेस, इंडियन आर्मी कैंपस, इंडियन एयरफोर्स कैंपस, इंडियन NDA कैंपस, एंड दिस इज प्रोवाइडिंग एरोस्पेस एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यू कैन गेट एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी इजीली। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड लक।